Uh, while during this lecture today inshallah we will be talking about uh, uh, some strategies and some uh, essentials about the classroom education where a teacher has to engage with students uh, but before doing that chota message it is the teacher who matters and uh, a student while you consider kibo less uh, स्किल्ड है या उसका इमोशनल लेवल उतना नहीं है जितना आपका है नॉलेज टीचर के पास ज्यादा है लिहाजा यू हैनर यूर स्टूडेंट एंड गिव हिम और classroom uh ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और मैं फिर उसको दोहरा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का फेलियर जो है वो बेसिकली टीचर्स का फेलियर होता है और आप चूंकि हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि द ओनस ऑफ फेलियर और पासिंग इज़ बोथ विद यू आप ही कामयाब होंगे और आप ही फेल होंगे लिहाजा इस बात को अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लीजिए एंड नाउ वी प्रोसीड विद द फॉर्मल एजेंडा ऑन दिस स्लाइड यू कैन सी दैट आई हैव डिस एंड कम्पेयर टू डिट डेफिनेशन ऑफ वॉट टीचिंग इट सेल्फ इज टीचिंग क्या चीज़ है उसके बारे में दोनों साइड पर आपको दो uh, चीज़ें नज़र आ रही हैं दो डेफिनेशन नज़र आ रही हैं और मैंने ये कोशिश की है कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर दूँ आपके लिए तो ऑन द लेफ्ट साइड ये ब्लैक साइड पर अगर आप देखते हैं जहाँ पर ब्लैक प्रिंट है ये लिखा हुआ है कि अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इंटरक्टिंग यानी कि टीचिंग को एज अ प्रोसेस लिया गया और राइट right साइड पे भी ऐसा ही है टीचिंग इज़ अ प्रोसेस यानी कि इसके अंदर कोई ऐसी कोई ऐसा आ, आ, गुमान नहीं है कि ये एक लीनियर प्रोसेस बल्कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है कॉन्टीन्यूस का प्रोसेस या जो दलफ़ प्रोसेस जो है वो इसी चीज़ का इंडिकेटर है कि ये चीज़ फिर रिपीट होगी फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर जो है वो प्लान करता है इंस्ट्रक्ट करता है एवेलुएट करता है और एवेलुएशन पर उसका काम खत्म नहीं होगा बल्कि फिर नए सरे से फिर प्लान करेगा फिर इंस्ट्रक्ट करेगा फिर एवेलुएट करेगा और ये एक साइकिलिक प्रोसेस है और ये चीज़ चलती चली जाएगी लिहाजा टीचिंग एक प्रोसेस है टीचिंग इज नॉट इन वन डायरेक्शन ऐसे नहीं है कि आपने किसी को पढ़ाया एंड योर जॉब इज डन ऐसे नहीं होता बल्कि आप खुद प्लान करते हो और आप उस प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हो एग्जीक्यूट करने के बाद गौर करो मैं क्यों बार बार कहता हूँ जनाब इज द टीचर, <coughs> टीचर उस्ताद ने प्लान किया था स्टूडेंट तो प्लान करके नहीं आया था ना जी आज मैंने क्या पढ़ना है या मैंने टीचर से ये कहना है कि मुझे ये पढ़ाओ मुझे ये पढ़ाओ बल्कि यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है टीचर इज इन चार्ज राइट नाउ टीचर प्लान करता है स्टूडेंट्स को सामने रखते हुए उनके कोर्स कंटेंट को सामने रखते हुए उनकी नीड्स को सामने रखते हुए प्लान करता है जब प्लानिंग टीचर की थी जब क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन टीचर की थी कंट्रोल टीचर का था तो इम्तिहान में बच्चा कैसे फेल हो गया तो स्टूडेंट के नॉट फेल एक्चुअली या तो प्लानिंग का फॉल्ट था या वो जो इंस्ट्रक्शन टीचर ने दिया उसका फॉल्ट था ठीक है तो इन दोनों सूरतों के अंदर या तीसरा एक और भी होता है कि अवेलुएशन बाजूकात बहुत मुश्किल कर दी जाती है उससे भी हमें सही अंदाजा नहीं हो पाता लेकिन इसमें स्टूडेंट तो किसी जगह पे भी नहीं आया टीचर ने प्लान किया टीचर ने क्लास रूम ली क्लास लेक्चर लिया और टीचर ने ही फिर इम्तिहान बनाया तो तीनों काम तो टीचर कर रहा है सो अ स्टूडेंट इज नॉट एट फॉर तो पहली बात जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ टीचिंग तो एक यूनिडायरेक्शनल <coughs> नहीं है चीज चीनी टीचिंग जो है ये तो बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है जो कि रिपीट होता रहता है आप देखिए हर रोजाना आपकी क्लास में वही टीचर आते हैं वही टीचर आते हैं आज उसने उर्दू पढ़ाई कल फिर वो उर्दू पढ़ाएगा परसों फिर वो उर्दू पढ़ाएगा फिर भी उर्दू पढ़ाएगा यानी कि थ्रू आउट द ईयर वो बार बार आके आपको उर्दू ही पढ़ा रहा है इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ा रहा है मैथ वाला मैथ पढ़ा सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो जहां पर एक स्टूडेंट लर्न कर रहा होता है टीचर से वहां पर एक टीचर भी लर्न कर रहा होता है अबाउट द स्टूडेंट्स एबिलिटीज़

टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप स्टूडेंट का नॉलेज इंक्रीज करते हैं नॉलेज कहते हैं जखीरा है अल्फाज को उसकी वकीबलरी को उसकी इंफॉर्मेशन को स्किल्स कहते हैं सलाहियतों को अब सलाहियत कुछ और है और नॉलेज कोई और चीज़ है फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तो नॉलेज है कि जहाज़ के अंदर कितने इंजन होते हैं और जहाज़ कैसे उड़ता है लेकिन मेरे पास स्किल्स नहीं है कि जहाज़ उड़ता कैसे है करता क्या है तो स्किल्स अलहदा सी सीखनी है मुझे नॉलेज होना एक चीज है स्किल होना एक चीज है और इसके बाद मेरी वैल्यूज मेरा तरीका कार और मेरी सोच का अंदाज मेरे एटीट्यूड इन तमाम को एक टीचर जो है वो एंगेज करता है क्लासरूम के अंदर तो सिर्फ नॉलेज देना टीचिंग नहीं था सिर्फ स्किल्स देना टीचिंग नहीं था बल्कि उसकी वैल्यूज उसका किरदार और उसके नजरियात इन तमाम चीजों के ऊपर काम किया जाता है टीचिंग में टीचिंग इज ए बिग एजेंडा अच्छा राइट right साइड पे देखिए तो टीचिंग इज अ प्रोसेस हमने जिक्र कर लिया और उसके बाद क्या है अ प्रोसेस इंटेंडेड फॉर लर्निंग बाय इंड्यूसिंग अ बिहेवियरल चेंज इन द टॉट कि स्टूडेंट्स के अंदर एक बिहेवियरल चेंज तो पैदा कर देना बच्चों के बिहेवियर के अंदर एक तब्दीली कर देना अच्छा अब यहाँ पर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि फिर ये बिहेवियरल चेंज क्या हुई तो टीचिंग जो है बजाते खुद एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में इंसान के बिहेवियर में तब्दीली आती है और इसी को लर्निंग कहते हैं अगर आपको याद हो तो लर्निंग क्या चीज़ थी लर्निंग टीचिंग के नतीजे में लर्निंग होती है और लर्निंग क्या चीज़ है लर्निंग एक बिहेवियरल चेंज है आप वो काम करना शुरू कर दें जो पहले आपको नहीं पता था ये जो पहले आप नहीं करते थे ये आपके अंदर एक बिहेवियरल चेंज आ गई है मिसाल के तौर पर अब मैं इस बिहेवियरल चेंज का जिक्र करता हूँ ये बिहेवियर किस तरीके से मयर किया जाता है ये बिहेवियर क्या चीज है एक, एक शागिर्द के बिहेवियर में कैसे तब्दीली आएगी तो वो कई तरीके से शागिर्द के बिहेवियर में तब्दीली आ सकती है मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि पहले उसको आ, पाकिस्तान के दारुल दारकूमत का नाम नहीं आता था अब उसको आता है वो लिख सकता है पाकिस्तान का दारुल दारकूमत जो है वो इस्लामाबाद है ये उसके बिहेवियर में तब्दीलिया उसके नॉलेज में इजाफा हो गया पहले उसको नहीं पता था अब उसके नॉलेज में इजाफा हो गया बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी तरफ जब बहुत सारे अलफाज लिखे होंगे तो उनमें से वो लफ्ज़ इस्लामाबाद ढूँढ सकता है ठीक है अब ये लफ्स इस्लामाबाद ढूंढना भी उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था वो पहले ये काम नहीं कर सकता उसके बिहेवियर में तब्दीली आ गई है और बिल्कुल इसी तरीके से अब वो प्राउडली महसूस करता है और कहता है कि पाकिस्तान का जो दार्लामाबाद एंड ईज प्राउड अबाउट एट उसके रवैये में तब्दीली आ गई पहले तो वो इस्लामाबाद इस्लामाबाद इट्स ऑल राइट right, उसके लिए वो मैटर नहीं करता था लेकिन अब तालीम के बाद इंफॉर्मेशन देने के बाद उसको समझ आ गई कि पाकिस्तान का जो एक इंटेग्रल पार्ट और एक ऐसा यूनिट जिसने पूरे मुल्क को इकट्ठा करके रखा हुआ वो, वो इस्लामाबाद है अब उसकी सोच में तब्दीली आ जाएगी तो ज़रा देखो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि बिहेवियर के अंदर तब्दीली आ जाना बिहेवियर से मुराद अब वो बच्चा जो है वो अपने आप को नॉलेज में उसने स्ट्रेंथन उसका नॉलेज बढ़ गया उसकी स्किल्स बढ़ गई वो बहुत सारे दारालकूमतों के नाम में से इस्लामाबाद का नाम लुकेट कर पाता है पहले नहीं कर पाता था वेरी गुड और तीसरी चीज ये कि आप उसके नज़रियात बदल गए तो तालीम का मकसद जो है वो बिहेवियर में तब्दीली है ग्रेड्स uh, हासिल कर लेना अच्छे अच्छे नंबर हासिल कर लेना ये तो नॉलेज है ये तो एक पैरामीटर है बिहेवियर का स्किल्स कहाँ गए हमने तालीम तो दे दी लेकिन अगर अच्छे शहरी नहीं बनाए तो यू है एजुकेशन प्रोसेस इज फेल्ड आपने बच्चों को तालीम तो दे दी लेकिन उनके अंदर मुल्क से मोहब्बत पैदा नहीं की यू हर रॉन्ग यू है आपने बच्चों को तालीम तो दे दी लेकिन आप उनको अच्छा इंसान नहीं बना सके आप उनके एटीट्यूड वैल्यूज को तब्दील नहीं कर आपका आप फेल हो गया आपका टीचिंग प्रोसेस तो अब आप समझ लीजिए जो आप लोगों ने मुझे डेफिनेशंस भेजी थी और डिस्कशंस की थी उन डिस्कशंस को या उन या अपनी असाइनमेंट्स को कंपेयर करें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि तालीम को एज ए प्रोसेस जानना है और तालीम को टूल फॉर बिहेवियरल चेंज एक ऐसा टूल है एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम बच्चे के बिहेवियर में तब्दीली ले आते हैं ठीक है इट इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑडियंस ये एक सलाहियत है uh, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बहस है कि क्या उस्ताद होता है या उसद बनता है कि वो कहते हैं जी कुछ लोग तो पैदा ही उस्ताद होते हैं और कुछ लोग तो उद बन जाते हैं ये बात डिबेटेबल है लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं इस वक्त हम आपको उस्ताद बना रहे हैं वट दैट मीन यू आर नॉट बॉर्न टीचर्स आप बॉर्न टीचर नहीं थे बल्कि अब हम आपको टीचिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं इसीलिए तो हम ये एजेंडा पढ़ रहे हैं कोर्स का इससे क्या साबित हुआ इससे ये साबित हुआ कि हम अपने अपने जो स्टूडेंट हैं उसके अंदर ऐसे बिहेवियर्स के आ सकते हैं जो कि उनको एक अच्छा टीचर होने के लिए हेल्पफुल होंगे और वो अच्छे टीचर्स बन सकते हैं कहा सबसे लास्ट लाइन है पेडागोजी इज एन आर्ट ऑफ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग पढ़ाने का तरीका कार पढ़ाया कैसे जाता है क्लासेस को कैसे मैनेज किया जाता है किस तरीके से कोर्स कंटेंट को देखा जाता है वो नॉलेज क्या है ये सारी चीजें जो है ना ये टीचिंग से मुतलका हैं सो पेडागोजी ऐसी सलाहियत ऐसी स्किल्स हो गई जो कि टीचिंग के लिए जरूरी हैं और ये हम आगे चल के देखते हैं कि वो चार कौन कौन सी सलाहित हैं जो कि पैडगोलॉजी से रिलेटेड हैं सो so, ओवरऑल इस स्लाइड को बच्चे अगर आप लोग गौर से देख लें तो उसमें तीन चार बातें हमें पता चली हैं नंबर वन कि टीचिंग एक प्रोसेस है नंबर टू टीचिंग बिहेवियर में तब्दीली करती है और नंबर थ्री कौन कौन से बिहेवियर में तब्दीली करती है नॉलेज वाले बिहेवियर में तब्दीली करती है स्किल्स वाले बिहेवियर में तब्दील करती है और बिल्कुल इसी तरीके से आपके वैल्यू और आपके नजरियात में तब्दीली करती है तालीम इंसान को यकसर बदल देती है अगर वो प्रॉपर एजुकेशन हो तो न सिर्फ नॉलेज के बढ़ जाने का नाम तालीम नहीं है जो मजदूर या जो मकैनिक इस वक्त बाहर गाड़ी ठीक कर रहा है उसकी स्किल्स आपसे ज्यादा है लेकिन नॉलेज आपके पास है अब मसला क्या हुआ आपने खाली नॉलेज सीखा और स्किल्स नहीं सीखी नॉट एनफ तो एक इंजीनियर के पास नॉलेज भी होता है कि इंजीनियर के पास स्किल्स भी होनी चाहिए और खाली ये दो चीज़ें नहीं काफ़ी उसके नज़रियात भी ऐसे ही होने चाहिए उसकी वैल्यूज उसका तरीकाकार उसका उठना बैठना उसका जिंदगी गुजारने का तरीका रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वो एक इंजीनियर है। उसके पास इंजीनियरिंग उसकी ज़ात में से छलकनी चाहिए उसकी हर बात हर सोच हर ख्याल जो है वो जाहिर करे कि यस आई एम एन इंजीनियर तो ये सारी की सारी चीज़ है बेटा जो आगे हमने इस स्लाइड से सीखी है और हम इसको अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं तो टीचिंग क्यों करनी है टीचिंग करनी है किस लिए वाई इट इज नेसेसरी क्यों करें हम लोग टीचिंग तो टीचिंग इसलिए करें बिकॉज uh, टीचिंग करने का एक मकसद जो है वो ये है कि इट क्रिएट्स नॉलेज जो कि अभी हमने जिक्र किया अवेयरनेस खाली नॉलेज नहीं देती बल्कि आपको अवेयरनेस देती है और फीलिंग्स आपके अंदर पैदा करती है Feelings, कौन सी feelings पैदा करती है, अपने subject से related feelings पैदा करती है। और अब जरा गौर करो मैंने सवाल किया था ना आपसे कि तैतीस नंबर वाला बच्चा अच्छा है या पचास नंबर वाला अच्छा है या सौ नंबर वाला अच्छा है जस्ट इमेजिन एक बच्चा जो कि एकेडमिकली तो हम उसके नॉलेज में इतना इंक्रीज नहीं कर सके बिकॉज उसको, को उसको कोई मसाइल थे अस सपोज उसको कोई रिटेंशन का प्रॉब्लम था वो याद नहीं कर सकता था वो लिख नहीं सकता था जो uh, जो उसका नॉलेज था वो तो हम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सके लेकिन जब वो स्कूल के अंदर रहा स्कूल के एनवायरमेंट के अंदर रहा तो उसके अंदर एक बिहेवियरल चेंज आ गई अब वो बच्चा डिसप्लेंड हो गया है अब वो बच्चा अपने आप को साफ सुथरा रखता है अब वो बात बात तमीज से करता है अब उसके किरदार में और बहुत सारी चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं तो एकेडमिक्स या, या, या ये जो खाली था किसी चीज़ का नॉलेज इंक्रीज ना ये एजेंडा नहीं था बल्कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल आपने देखना है सो so, हर इंडिविजुअल जो कि टीचिंग प्रोसेस से गुजरता है ना बेटे वो कामयाब ही होता है हर इंडिविजुअल जो कि टीचिंग प्रोसेस में आ जाता है वो कामयाब ही है उसके अंदर नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं बचती और वो अपने आप को इम्प्रूव करता चला जाता है ठीक है अपनी सलाहियतों के मुताबिक अब एक और यहाँ पर तो जब इंसान ने सोचा ना कि अच्छा टीचिंग तो इतना बड़ा एजेंडा है तो एक लॉ पास किया गया अमेरिका के अंदर और उसके अंदर ये मेंशन किया गया कि देखो हमारा ये कानून है कि नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो तालीम के दायरा कार से बाहर रह जाए तालीम के दायरा कार से बाहर क्यों इसलिए कि टीचिंग जो है इंसान के अंदर बिहेवियर चेंज करती है इसमें कोई शक नहीं है लिहाजा ये फिलॉसफी मर्ज हुई कि कोई बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर ना हो बल्कि हर बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर यानी कि टीचिंग से आ, बिल वास्ता यानी डायरेक्टली जो है उसका फायदा उठाए तो अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि, कि टीचिंग क्या है और टीचिंग करनी क्यों है वाई इज इट इम्पॉर्टेंट सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हर बच्चा जो है वो स्कूल जाए बिकॉज वी बिलीव टीचिंग जो है वो नॉलेज इंक्रीज करती है टीचिंग अवेयरनेस पैदा करती है और रवैये बदलाती है रवैया बदल जाना तो एक इंसान देखो ना रस्ते पे आपकी किसी से बहस हो जाए तो आप फौरन क्या कहते हो लगते तो पढ़े लिखे हो लगते तो पढ़े लिखे हो आपने इशारा क्यों तोड़ा लगते तो आप पढ़े लिखे हैं भाई इस बात का क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि वो बंदा देखने में यानी फिजिकल अपियरेंस में तो उसने अपने आप को बदला लिया लेकिन जो उसकी बिहेवियरल चेंज थी या जो उसकी अफेक्टिव डोमेन थी जिसके अंदर उसके ऊपर ये लाजिम था कि यार मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा इशारा लाल है तो मैंने रुकना है ये भी तालीम का ही हिस्सा था तो तालीम ने उसको रट्टा तो लगवा दिया कि रेड मीन स्टॉप और येलो मीन स्टार्ट और ग्रीन मीन गो ये तो उसने रट्टा तो बहुत अच्छा मारा हुआ था लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको जिंदगी में अप्लाई करना था तो वो अनफॉर्चुनेटली वो उसको नहीं कर पाया और ये भी तालीम की ही कमी थी ये भी उसके उस्तादों की तरफ ही क्रेडिट जाता दिस थिंग तो हमें तालीम के साथ साथ तरबियत का ख्याल करना है तालीम के साथ साथ साजी और साजी होती है अगर आप अच्छे तरीके से, से गुजरते चले जाए uh, कॉलेज स्कूल जाते थे हम लोग सब ने एक जैसे यूनिफॉर्म पहना होता था रोज चेक होते थे जूते किसके पॉलिश हैं सॉक्स किसकी uh, सही पहनी हुई है कपड़े किसके इसकी रोजाना चेक होता था रोजाना भाई उससे टीचर को क्या मिलता था टीचर को तो कुछ नहीं मिलता था तो असल में क्या होता था होता यह था कि हम आपके अंदर एक बिहेवियरल चेंज लेकर आ रहे थे कि आपको ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन सिखाई जाए आपको ड्रेसिंग सेंस सिखाई जाए आपको डिसिप्लिन सिखाया जाए ताकि कल जब आप दुनिया में जाएं तो भेड चाल ना हो बल्कि आपको पता होगे किस तरीके से आपने लिबास पहनना और आज जब आप कपड़े इस्त्री करते हैं या आज जब आप अपने जूते पॉलिश करते हैं तो यकीन करें ये उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है जो आपको उस वक्त कराई गई थी जब आपको गुस्सा आता था कि रोजाना मेरी यूनिफॉर्म चेक करती है रोजाना मेरे सॉक्स चेक करती रोजाना मेरे जूते चेक करती है तो ये आपके किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ था बल्कि ये वो किरदार साजी थी जो किताब से हट थी तो वो तमाम एक्सपीरियंसेस बेटे जो आपके स्कूल में आपको कराए जाते हैं जैसे कि किताबों से किताबें पढ़ाई जाती हैं लिखवाया जाता है उसके अलावा आपको ड्रिल कराई जाती है उसके अलावा आपको बजम अदब कराया जाता है आपको मैनर uh, सिखाए जाते हैं आपको एज एज अ प्रिंस हेड बॉय और गर्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं ये सारी की सारी चीज़ें एक करिकुलम का हिस्सा है ये सारा का सारा करिकुलम है ठीक है तो करिकुलम बहुत सारा ऐसा जो कि लिखा हुआ जो लिखा जाता है बहुत सारा ऐसा करिकुलम है जो नहीं लिखा जाता तो इनके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे लेकिन फॉर द टाइम बिंग सिर्फ ये समझ लीजिए कि तालीम क्या थी और तालीम क्यों करनी है तो मेरा ख्याल है इतनी डिस्कशन के बाद अब आप एग्री कर रहे होंगे कि तालीम का जो जरूरत है या एजुकेशन फॉर ऑल एक फिलोसफी आई थी एजुकेशन फॉर ऑल और एक आई थी नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड जरा इन दोनों पे लफ्जों पर गौर करें एजुकेशन फॉर ऑल के तमाम के लिए तालीम ये भी एक फिलासफी आई थी दुनिया में और एक और है नो चाइल्ड लेफ्ट जरा गौर करें दोनों फिलोसफीज में कितना वजन है और वो इसी डिस्कशन से इमर्ज हुई थी सारी की सारी कि तालीम का तो फायदा ही फायदा है कोई बच्चा ना रह जाए कोई इंसान ऐसा ना रह जाए जिसको तालीम ना दी जाए और हमारा मज़हब भी तो यही कहता था हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है जरा गौर करो ना जरा इसी स्टेटमेंट पर हम इलम हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है तो फिर हमारे जहन में फौरन एक सवाल आता है यार वो तो न लायक वो कैसे पड़ेगा अगर हर मर्द औरत ने पढ़ना है तो फलाना कैसे पढ़ेगा वो तो बहुत लायक है वो तो बहुत आगे चला जाएगा वो तो बहुत न लायक है वो तो बहुत पीछे रह जाएगा नहीं 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 यही तो बात है तालीम का फायदा हर एक को होना है उसकी किरदार साजी हो जाएगी उसके पास नॉलेज बढ़ जाएगा मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैंने आपसे कहा कि मुझे एक से सौ तक गिनती याद करके कर सुनाए कुछ बच्चों ने मुझे सौ तक सिखा दी सुना दी और कुछ बच्चे सिर्फ एक से पचास तक गिन पाते थे और कुछ बच्चे एक से दस तक गिन पाते थे और एक बच्चा ऐसा भी था जो कि सिर्फ कहता था वन टू वन टू वो सिर्फ वन टू पे था तो आप मुझे ये बताएं जो वन टू कहता है क्या उसके किरदार में तब्दीली आई कि नहीं आई उसके किरदार में तब्दीली आ गई है बिकॉज पहले वो वन और टू भी नहीं जानता था अब तो वन और टू उसने जानना शुरू कर दिया है लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक टीचर ने अपने आप को इस तरीके से अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम पैदा करना है कि यस माय टीचिंग विल बी इफेक्टिव और ये हर बच्चे के अंदर तब्दीली लेकर आएगी और आ, कभी भी एक टीचर जो है वो बायस नहीं होता उन लोगों के लिए जो लाइक हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ना लाइक हैं नो नो सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं हमारे पढ़ाने से उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा बेटे चूंकि ये हमारा पहला लेक्चर है इसलिए मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि टीचिंग जो है वो बजात खुद एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर के अपने एटीट्यूड्स बहुत मैटर करते हैं एक उस्ताद किस लिए पढ़ा रहा है एक उस्ताद आप उस्ताद बनने क्यों आए हैं ये ख्यालात बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी अपनी फिलासफी तालीम के बारे में क्या है अगर आपने रट्टे ही लगवाने और बच्चों को डंडों से मारना ही है जैसा कि आपको मारा गया था तो पर आप तालीम का हक नहीं अदा कर सकेंगे आपको ये रियलाइज करना है कि हर बच्चा इंपॉर्टेंट है जो नालायक है वो भी इंपॉर्टेंट है जो पढ़ता है वो भी इंपॉर्टेंट है जिसका पढ़ने को दिल नहीं करता वो भी इंपॉर्टेंट है ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट और ये सारे के सारे हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर कि हमने उनको स्ट्रेंथन करना है उनकी सोच को उनके ख्याल को उनकी मोटिवेशन को हमने मजीद डिवेलप करना है उनके लिए इंटरेस्ट पैदा करना है उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनके इंटरेस्ट के मुताबिक टीच करना है और वो बच्चा फायदा उठाता चला जाएगा उठाता चला जाएगा आप जरा एक और चीज़ देखिए हमारे यहाँ बच्चे जो हैं आपकी क्लास में भी ऐसे बच्चे होंगे जो स्पोर्ट्स की बेसिस पे आ, आपके साथ बैठे हुए हैं गुड स्पोर्ट्स मैन वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे इसलिए यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हो गया और अब आप वो आपके क्लास फेलोज हैं तो क्या वो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं है नहीं दे आर गुड स्टूडेंट्स दे आर गुड स्टूडेंट उनके अंदर एक सलाहियत है स्पोर्ट्स मैनशिप की जो आपके अंदर नहीं है ठीक है वो तो ग्राउंड के दस चक्कर लगा सकते हैं आपसे एक चक्कर इसका मतलब है कि दे हैव गॉट सम पोटेंशियल इन फिजिकल एबिलिटीज जो आपके अंदर नहीं है बिल्कुल इसी तरीके से आपके अंदर कुछ सलाहित होंगी जो उनके पास नहीं है तो अगर हम मवाजना तो नहीं कर सकते कि किसकी सलाहित ज्यादा हैं और किसकी कम है हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए आप भी इंपॉर्टेंट है हमारी तालीम उनको भी फायदा देगी और आपको भी फायदा देगी अब जरा देखें तालीम के अंदर होता क्या है होता यह है बेटे कि एक उस्ताद है वो अपना एक मैसेज लेकर आता है और पढ़ने वालों को पढ़ा देता है उस्ताद है मैसेज लेकर आया है और पढ़ने वालों को उसने पढ़ा दिया उस्ताद अगर वेल well प्रिपेयर्ड होगा यानी कि सोच समझ के बात करेगा तैयार होके आया होगा अपने बच्चों के बारे में जानता होगा अपने कोर्स कंटेंट के बारे में जानता होगा टाइम पे आया होगा बिहेवियर अच्छा होगा अच्छा लिबास उसने पहना होगा उसकी बात करने का अंदाज अच्छा होगा क्लियर बात कर सकता होगा तो वो अच्छे तरीके से अपने मैसेज को पास ऑन कर सकता है देखो एक उस्ताद के लिए ज़रूरी था कि उसको पता हो उसने क्या कहना है और उसको कहना आता भी हो तो उसका मैसेज बहुत आसान तरीके से ऑडियंस तो तक चला जाएगा अब पर देखें उसका मैसेज क्लियर होना चाहिए उसका मैसेज एक्यूरेट होना चाहिए ब्रीफ होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए ये सारे के सारे उसके मैसेज की सलाहित नहीं थी ठीक है और टीचर की सलाह क्या थी कि वो वेल well प्रिपेयर्ड हो वो जानता हो कि उसने मैसेज क्या देना है और फिर उसको मैसेज क्लियर अंदाज में बताना भी आता हो एक्यूरेट अंदाज में बताना भी आता हो तो इसके नतीजे में एक उस्ताद जो है वो अपना मैसेज अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकता है और वो खुशी से उसकी बात जो है वो सुनेंगे भी सही और समझेंगे भी सही एक इंडियन मूवी आई थी तारे जमीन पर अब तारे जमीन पर होता क्या था कि एक उस्ताद था और उसके क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा भी मौजूद था जो कि बाकी बच्चों की तरह नहीं था बल्कि मुख्तलिफ था नतीजा क्या निकला था कि टीचर ने टीचर को पता था कि मेरी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ नहीं आ रही उसको समझ आ रही थी कि मेरा बच्चा आम किताबों से नहीं समझ पा रहा तो वो क्या करता है वो उसको एक गाने की शक्ल में उसको मैसेज जो है वो देना शुरू कर देता और तमाम बच्चे ना सिर्फ उस चीज़ को एंजॉय करते हैं बल्कि ये वाला बच्चा भी उसके लिए उस मैसेज के लिए रिसेप्टिव हो जाता है क्योंकि ये एक बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ था यानी कि उसको रीडिंग राइटिंग की डिफ़िकल्टी थी लेकिन सुनने में तो उसको प्रॉब्लम नहीं था गाने के अंदर उसको प्रॉब्लम नहीं था उसको तो रीडिंग और राइटिंग का था लिहाजा वो जो बच्चा ईशान इस मूवी में बनाया गया था बताया गया था उसके अंदर इश्यूज जो थे वो ये थे कि वो रीडिंग राइटिंग को नहीं समझ सकता था बाकी सारी बातें समझता था तो टीचर ने क्या किया कि रीडिंग राइटिंग को एक तरफ करके उसके लिए पेंटिंग और ड्राइंग और सिंगिंग और ये सारी चीजें उसने अंदर डाल ली तो अब क्या हुआ कि एक अच्छा टीचर था उसने अपने आप को तैयार किया उसने अपने कम्युनिकेशन के बैरियर्स को तोड़ा अपने मैसेज को क्लियर किया और ईशान ने सीखना शुरू कर दिया सो तो ये एक्ट ऑफ टीचिंग है और यहाँ पर तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी ना एक ईशान बच्चे की क्लासरूम के अंदर जब आपके पास बीस तीस बच्चे बैठे होंगे तो वो सारे के सारे ही आपको हो सकता है कि ईशान की तरह मिले आपको हो सकता है कि उन तमाम बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स अलीहदादा हों उन तमाम बच्चों की सलाहितें हो सकता है कि मुख्तलिफ हों लिहाजा उन सलाहितों के बारे में टीचर को जानना है उन उन सलाहितों को एड्रेस करने के लिए टीचर ने प्लान करना है और प्लान करने के बाद वो तमाम चीज़ें जो कि उस क्लासरूम में चाहिए उसको वो उसने प्रोवाइड करनी है ताकि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से रिसीव कर सके इंफॉर्मेशन को ओके okay. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को देखें और हम uh, इसको समझ सकें अब मैं इसको सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा यहाँ से यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ सो टीचिंग बैक वक्त कौन कौन से काम करती है टीचिंग सबसे पहले आपके नॉलेज में इजाफा करती है टीचिंग आपके नॉलेज में इजाफा करती है टीचिंग टीचिंग आपके एटीट्यूड में रवैये में तब्दीली पैदा करती है और टीचिंग आपकी रोजमर्रा जिंदगी यानी आपके रहने के अंदाज को बदला देती है तो टीचिंग नॉलेज भी है टीचिंग रवैये के अंदर तब्दीली भी है टीचिंग जो है वो प्रैक्टिस या आपके रोजमर्रा के जो मामलात हैं उसमें भी नज़र आती है झलकती है तो बेटे एजुकेशनिस्ट ने ना जब एजुकेशन को समझने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर तीन ऐसे बुनियादी चैनल्स uh, हैं या तीन ऐसे बुनियादी एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है तालीम कहाँ कहाँ पर आपको अफेक्ट करती है तालीम किस किस जगह पर आपको uh, जो है वो स्ट्रेंथन कर सकती है तो एक उन्होंने कहा कि एक डोमेन का नाम जो है वो कॉग्निटिव डोमेन है कागनीटिराद आपकी इंटेलिजेंस है आपकी यादाश्त है आपकी मेमरी है जखीरा अल्फाज है वकीबलरी है तो एक होती है कॉग्निटिव डोमेन दूसरी होती है साइको मोटर में इसके अंदर काम करने की सलाहियत साइको मोटर यानी कि आपके पास सलाहियत है कि आप कलम उठा सकते हैं आपके पास सलाहियत है कि आप सीधी लाइन लगा सकते हैं आपके पास सलाहियत है कि आप उस चीज को आ, आ, पेन की मदद से कॉपी की मदद से उसको ड्रॉ कर सकते हैं आ, गाड़ी का टायर फिक्स कर सकते हैं आप जो है वो वेट उठा सकते हैं ये सारी की सारी आपकी साइको मोटरबिलिटी तो कॉग्नेटिव का ताल्लुक जहानत के साथ था साइकोमोटर मोटर का ताल्लुक मूवमेंट या बॉडी के साथ था ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं मैं जानता हूं कि हॉकी का ग्राउंड इतना बड़ा होता है और उसमें बारह ग्यारह ग्यारह खिलाड़ी होते हैं लेकिन मैं हॉकी उठा नहीं सकता मैं हॉकी सीधी पकड़ नहीं सकता तो मेरे साइकोमोटर वीक है तो एजुकेशन जो है वो कॉग्निशन भी बढ़ाती है और एजु कोगनीटिव डोमेन भी बढ़ाती है और उसके बाद साइको मोटर को भी बढ़ाती है तो साइको मोटर के बाद तीसरी चीज होती है अफेक्टिव अफेक्टिव कहते हैं जो कि उसकी अफेक्टिव को कैसे जो आपकी किरदार साजी है नाउ दिस इज करेक्टर करेक्टर मींस जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अकल भी है हमें हमारे अंदर अकल भी है कॉग्निशन भी है हमारे अंदर सलाहियत भी है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि अपने किरदार से अपनी हरकत से हम अपने आप को स्पोर्ट्स मैन जाहिर नहीं कर पा रहे फॉर एग्जाम्पल आपको बताया एक्सरसाइज बहुत जरूरी है कॉग्निशन एक्सरसाइज से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। आपको पता है इस चीज का सही? आप चल भी सकते हैं आप भाग भी सकते हैं लेकिन आप हर वक्त पोस्तियों की तरह पढ़े रहते हैं आप अपने को इस नॉलेज को फायदा नहीं उठाते इन सलाहित का फायदा नहीं उठाते बल्कि अपने आपको लेजी रखते हैं नतीजा क्या निकलेगा कि आपके ऊपर इस टीचिंग का फायदा नहीं होगा और आ, आ, हमारा जो एजुकेशन का एजेंडा है वो ना मुकम्मल रह जाएगा आई गेट बैक टू द सेम टॉपिक इन फ्यू मिनट्स आप दोबारा से ज्वाइन करें